हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, मेथड वीडियो। आज मैं बताऊंगा जो आप गोदरेज भी अवेलेबल बनती है, जो घिसा हुआ फॉरेस्ट पत्थर जो होता है, फॉरेस्ट जो पत्थर होता है उसमें फॉरेस्ट जो काफ़ी होती है। तो ये मैं आपके लिए पत्थर कुछ लेके आया हूँ, इसमें मैं बताऊँगा किस तरीके इसमें कितने साइज होना चाहिए पत्थर का, कितनी साइज पत्थर की मोटाई होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बताने वाला हूँ। सो लास्ट देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये पत्थर जब आप देख रहे हैं, ये वाला जो पत्थर है वो मैंने आगे आ जाएगा आपको देखा। तो ये इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, जो आप पत्थर देख रहे हैं इसमें, इसमें जो पत्थर है हमारा, आप देखते हैं कि लाल रंग जो पत्थर होता है उसमें रोना दे जाता है, वो क्यों उसमें सीलम की वजह से गल जाता है पत्थर जो होता है। तो इस तरीके का जो पत्थर होना चाहिए छीट वाला, इस तरीके का, इसमें क्या है, इसमें बाइट में हमारा इसमें लाल पड़ेगी दोनों चीज़ें है इसमें, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी पत्थर में। इस तरीके का आप पत्थर जब लबारी के अंदर काम करा रहे हैं, इस तरीके का आपको पत्थर खरीदना, इस तरीके आप पत्थर खरीद रहे हैं। और अब इसकी साइज के बारे में बताना हो, इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, पत्थर जब हम लगाते हैं लबारी के अंदर कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, जी आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इसमें जो हमारी इसकी जो मोटाई है, इसकी 1.25 इंची है इसकी मोटाई है, कम से कम आप देख रहे हैं इसमें 1.25 इंची इसकी मोटाई है। आप इसकी जो मोटाई है 1.25 इंची बैठ रही है इसकी, यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो 1.25 इंची इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। रोक लगा, इसकी जो मोटाई होती है 1.25 इंची रखें कम से कम, जो काफ़ी 0.25 इंची 1 इंची के पत्थर आते हैं वो नहीं लगवाएं, उसमें कमजोरी रहती है, उसकी मोटाई कम रहती है। अगर इसकी साइज की बात करें, गहराई कितनी रखनी है आपको अलवारी की, अलवारी की जो गहराई कितनी रखनी है, अगर 2 फुट की अलवारी गहरी बना रहे हैं तो आपको साइज, बड़ा साइज अगर बना रहे हैं तो आपको ये साइज आपको लेना पड़ेगा। तो आप इस साइज की बात करें तो ये साइज हमारा बैठा है 24 इंची इसकी चौड़ाई है, 24 इंची उसकी 36 इंची चौड़ाई इसकी, 24x36 इंची का ये पत्थर है इसमें, 24 इंची है और 36 इंची इसमें एस करके। तो इस तरीके का आप इसमें साइज लगा सकते हैं। इसकी जो बात करें तो इसमें क्या है, ये जो पत्थर है हमारा बेस्ट पत्थर है, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर इसकी अगर एलॉय बनवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्लास्टर का काम करते हैं, जो सादा वाले जो पत्थर होते हैं उसमें अगर एलॉय बनवाते हैं तो उसकी जो हमारा जो मसाला जो होता है उसकी धार टूट जाती है, इसकी जो धार नहीं टूटती है, इसकी मजबूती नहीं होती है इससे। तो इस तरीके का आप एलॉय का कोई काम करा रहे हैं, गोदरेज एलॉय बनवा रहे हैं, कोई रूम में काफ़ी बड़ी एलॉय बनवा रहे हैं, तो इस तरीके का आप पत्थर उसमें अंदर लगा सकते हैं। इससे क्या है, बेनिफिट अच्छा मिलता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी जो सुंदरता ही बन के आती है एलॉय बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप एलवारी बना रहे हैं तो इसमें फर्श वाला पत्थर लगा लें, और आप साइज का ध्यान रखें, इसकी जो मोटाई है आप 1.25 इंची का पत्थर ले लें, उससे डाउन ले लें, क्यों उसमें क्या होता है कि पतला पत्थर जो होता है उसमें कमज़ोर रहता है, तो 1.25 इंची का आप पत्थर लेके उसमें एक्यूट चलें, ये बेसिक ध्यान को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैंने कुछ इसमें, ये आप इसमें मकान देख रहे हैं इधर पीछे, इधर जो पीछे मकान दे रहे हैं इसमें, इसमें काफ़ी आपकी करीब 4 एलवारी इसके अंदर बनाई गई हैं इसमें, वो भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में, तो उसमें जो हमारी 4 जो एलवारी बनी हुई है उसमें किस तरीके से इसमें हमारी बनाई गई है, इसमें क्या डिजाइनिंग है इस एलवारी के अंदर और कैसी वो लगती है। इसको जो घिसा हुआ जो पत्थर लगाया हमने एलवारी के अंदर, तो उसमें हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके की उसमें बन के एलवारी लगती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मैं आऊँगा आपके लिए एलवारी की जो फुल टोटल वीडियो बना के आपको, जब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर इसके पत्थर की फिनिशिंग की बात करें तो आप देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि जिसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी आती है निकल के, जब आप एलवारी बनाते हैं तो इसकी, इसकी जो मोटाई की बात करें तो इसकी करीब थिकनेस इसकी 1.25 इंची इससे नीचे पत्थर आप नहीं लेना बिल्कुल भी, क्यों 1.25 इंची इसका पत्थर मोटाई होना चाहिए, क्यों इसमें जो हमें मजबूती बनती है तो उसी से हमारी मजबूती इसमें बनती है। इसकी जो मैंने आपको इसमें नाप के दिखाई थी आपको इंची टाइप से, इसकी 1.25 इंची इसकी मोटाई है, इससे पत्थर डाउन नहीं लेना बिल्कुल, क्यों इसकी जो, क्यों एलवारी जो काफ़ी बड़ा साइज होता है तो उसमें आपको इसी तरीके का लगा के चलना है। तो दोस्तों, वो हमने काफ़ी इसमें इस बिल्डिंग के अंदर हमने एलवारी बना चुके हैं,
तो इसमें हम आपको दिखाएंगे लास्ट में कुछ हमने अलमारी बनाई है 3-4, तो वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे, आप इसमें नहीं दिखा पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।